मध्य प्रदेश के किसानों को बिजली को लेकर काफ़ी शिकायतें रहती है, लेकिन सरकार उन शिकायतों में कितनी गंभीर है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऊर्जा मंत्री पारस चंद जैन जी। सर, क्या मध्य प्रदेश सरप्लस राज बन चुका है? मध्य प्रदेश बिल्कुल सरप्लस लॉस है। करीबन आपने देखा होगा कि 17,500 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं, मात्र 11,000 तक ही हमारी मेगावाट की लोग काम में हो रही है, और जिसके साथ आज भी लोगों ने बहुत सारे प्रश्न लगाए थे, मैंने उनका भी जवाब दिया है। मैं चाहता हूं कि जब 24 घंटे बिजली देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सिंचाई के लिए 10 घंटे और इसके लिए घर के लिए 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है पूरी तरह। पहले तो आपने देखा होगा कांग्रेस शासन में दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट निकाला था कि 8 बजे बाद अपना कारोबार बंद कर लो और एक लट्टू जलाओ, यही प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं कि 24 घंटे और 10 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। दूसरे राज्यों को बिजली बेची जा रही है? नहीं, कुछ आदान प्रदान बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास सरप्लस जरूर है, लेकिन ऐसा बात नहीं कि अभी, लेकिन हमने कुछ टेंडर निकाले भी थे, लेकिन कोई बाहर से खरीदने के लिए नहीं आया, ये बात भी नहीं। अगर कोई खरीदने नहीं आता तो क्या किसानों को 24 घंटे बिजली नहीं दी जाती? नहीं, 24 घंटे बिजली देने की आवश्यकता है, क्योंकि पानी ही उनके पास पर्याप्त मात्रा में, एक कुएं में यदि पानी है तो 10 घंटे से ज़्यादा चलती नहीं है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में किसानों को बिजली मिल रही है। धन्यवाद। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है और सरकार उनको लेकर हमेशा गंभीर रहती है। कैमरामैन अनवर खान के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।